बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्स के ऑनलाइन पोर्टल पर डिस्कस करने जा रहे हैं T8, जिसका फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 141 से। इसमें दो यूनिट शामिल हैं। पहला यूनिट है हमारे पास डीफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने डिस्कशन की तरफ। तो जनाब, हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 141 से। इसमें क्या कह रहा है, यंग मॉडल्स ऑफ अ रबर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस। ये एरिया आ गया जी, ये आपके पास क्या आ गया, यंग मॉडल्स आ गया, और ये क्या आ गया, फोर्स आ गई, और ये क्या आ गई, लेंथ आ गई। एंड वी हैव टू फाइंड द देन इट्स इनिशियल लेंथ बिकम्स के इनिशियल लेंथ में चेंज कितना, कितनी इंक्रीज कितनी हुई है। तो पहले हम उसमें वो इंक्रीज निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल, यू नो हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, डेल्टा एल एफ ओवर ए इंटू एल ओवर वाई। अब बच्चों एफ जो है वो हमारे पास कितनी है जी, वो दी हुई है उसने 2 × 10^5 डाइन्स है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा, -5 से मल्टीप्लाई, लेंथ एल है, एरिया बच्चों कितना है 2 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में करूंगा तो -4 आएगा। और बच्चों साथ आपके पास क्या है जी, वाई है, वाई कितना दिया हुआ देखें, 10^4 दिया हुआ, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो डेल्टा एल कितनी आ गई है, एल के इक्वल आ गई है। ठीक है, अब आपके पास जो नई लेंथ आएगी, न्यू लेंथ क्या आएगी, न्यू लेंथ जो बच्चों बनेगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, ये इनिशियल थी ना, एल प्लस एल इज इक्वल्स टू 2L, ये आपके पास क्या होगी, इंक्रीज नई लेंथ इतनी बन जाएगी। तो देखें आंसर भी क्या है जी, 40, ये न्यू लेंथ आ गई आपकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें जी, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यूज ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन जनरल इज, जनरली क्या इफेक्ट होता है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पे। देखिए मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना, किसी मटेरियल का जो वाई है ये बेटे क्या करता है, सॉफ्ट अगर मटेरियल होंगे, सॉफ्ट होगा तो वाई क्या होगा, कम होगा, हार्ड होगा तो वाई क्या होगा, लार्ज होगा। सो नॉर्मली चीज़ें जो हैं वो हीट करने से क्या होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, अगर सॉफ्ट होती हैं तो उनका वाई क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो आंसर देखें क्या आएगा, अ डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस एफ ओवर ए, इट्स अंडर गोज अ चेंज इन वॉल्यूम वी, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी इज। कंप्रेसिबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम बेटे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें बल्क मॉडल्स, जो बल्क मॉडल्स है उसका रेसिप्रोकल होती है कंप्रेसिबिलिटी, एफ ओवर ए इंटू, जी शाबाश, एफ ओवर ए इंटू क्या आएगा, इंटू आएगा वी ओवर डेल्टा वी, उसने ये दिया हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम कितनी है, ये डेल्टा वी है, दिस इज डेल्टा वी एंड दिस इज वी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या निकल आएगा आपके पास जी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कंप्रेसिबिलिटी होगी, शाबाश, कंप्रेसिबिलिटी क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, और वो क्या आएगा, ए वी ओवर एफ इंटू कैपिटल वी। तो ऑप्शन देखें कौन सी है जी, अल्फा ऑप्शन, कंप्यूटर ने भी वही जवाब दिया। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने। ओके, चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 0.5 गीगा पास्कल, इट्स बल्क मॉडल्स, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा, बल्क मॉडल्स आ जाएगा जी, बल्क मॉडल्स इसका रेसिप्रोकल आएगा, कितना है, 1/0.5 गीगा है, 10^10 क्या होगा, 9, तो ये बेटे ऊपर जाएगा, 10^-9 हो जाएगा। ठीक है, वो पर में था, दैट्स वाई ये -9 होगा, तो इसलिए ऊपर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा, 1/0.5 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, 2 × 10^9 हो जाएगा आंसर आपका, किसका, बल्क मॉडुलस का, यूनिट इसके साथ देखें तो क्या आएगा, पास्कल आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो यूनिट भी आपका रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें जी, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, इसका देखते हैं आंसर क्या आता है जी, इसका आंसर जी अल्फा है आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें जी, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर इज के एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, इफ़ द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी। फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, जैसे के इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ओवर आपके पास, इसको आप इंक्रीज इन लेंथ कह सकते हैं, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना आ जाएगा, एफ ओवर के नहीं हो जाएगा, तो देखें जवाब क्या है जी, एफ ओवर के। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, अ केबल दैट कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखें जी ये एक केबल है, ठीक है,
इसने लोड कितना लिया हुआ है जी, 800 न्यूटन। आपने इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। याद रखें कोई भी मटेरियल की ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस या लोड की कैपेबिलिटी उस वक्त चेंज होती है जब आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर या रेडियस चेंज करते हैं। अगर मैं इसका रेडियस चेंज करता ना, ये रेडियस डायमीटर, फिर हम कहते हैं कि ये डिफरेंट लोड उठा सकती थी। अभी भी ये कितना लोड उठा सकती है, 800 न्यूटन। वजह, क्योंकि स्ट्रेस चेंज नहीं हुई इसके ऊपर, बिकॉज स्ट्रेस किसके इक्वल आनी थी, एफ ओवर ए के इक्वल, विच इज इक्वल टू एम जी ओवर ए। क्या इसको दरमियान में से यहाँ से कट करने से इसके एरिया पे कोई फ़र्क पड़ा? नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो एरिया सेम है, लोड भी सेम है, तो स्ट्रेस भी दोनों के लिए, तीनों के लिए, इसके लिए भी सिग्मा है, इसके लिए भी सिग्मा है, इसके लिए भी सिग्मा है, स्ट्रेस चेंज नहीं होगी। और कैपेबिलिटी ऑफ हैंगिंग, मतलब मटेरियल को उठाने की कैपेबिलिटी किसी मटेरियल की उस वक्त चेंज होती है जब उसके ऊपर लगने वाली स्ट्रेस चेंज हो जाए। तो यहाँ स्ट्रेस चेंज नहीं होगी, बिकॉज एरिया सबका क्या है, सेम, लोड क्या है, सेम। सो ये पीसेस भी उतना ही लोड बर्दाश्त कर सकते हैं जितना ये पीस कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर एक्सटेंशन पूछे कि किसमें ज़्यादा आएगी, डेल्टा एल की बात करें कि किसमें ज़्यादा होगी, तो डेल्टा एल इसमें ज़्यादा होगी बिकॉज इसकी इनिशियल लेंथ ज़्यादा है, बिकॉज डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। ओके, तो देखते हैं जवाब, 40 जवाब है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A uniform wire fixed at its upper end hangs vertically and support a weight at its lower end if its radius is r, its length is l and Young modulus of or the material of wire is e. The extension is directly proportional to e. Number one, directly proportional to e, inversely proportional to r, directly proportional to l. देखिए extension की बात की है तो we know that कि extension ये होती है जी f over a, a को लिख सकते हैं pi r square into l over y, y कितना है, e है। तो यहाँ देखें तो ये एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। एक्सटेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। एक्सटेंशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफ के। तो उसने क्या कहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई गलत है, इन्वर्सली है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर गलत है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जी, ये ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन कौन सी ठीक बचती है, सिर्फ थ्री ओनली बच रही है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, जवाब भी यही है। ओके, हो गया जनाब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। द मटेरियल विच डज नॉट शो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज, वो मटेरियल जो इलास्टिक इफेक्ट्स नहीं, इलास्टिसिटी के बाद के इफेक्ट यानी परमानेंट इफेक्ट्स नहीं शो करता, प्लास्टिसिटी इफेक्ट नहीं शो करता, फौरन टूट जाता है, वो कौन सा मटेरियल है जी, वो क्वार्ट्ज है, क्योंकि ये भी परमानेंट चेंज शो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो क्वार्ट्स नहीं करता, क्वार्ट्स सिर्फ इलास्टिक। ये इसका ग्राफ अगर क्वार्ट्स का देखेंगे, ग्लास का, तो ये यहाँ तक जाएगा, आगे ये जो परमानेंट चेंज वाला रीजन है ये नहीं शो करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाई 1 mm ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ सर्टन लोड इन अ वायर ऑफ द सेम मटीरियल बट ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड दैट ऑफ द रेडियस हाफ द रेडियस, द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस एन एलोंगेशन ऑफ। चलें जी ये भी देख लेते हैं। एलोंगेशन वी नो दैट के एफ ओवर ए इंटू एल ओवर वाई है, ये एल वन कह देते हैं। हम दूसरी एलोंगेशन जो बात कर रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, पहली में वो क्या कहता है, सर्टन लोड है इन अ वायर ऑफ द सेम मटीरियल बट ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड हाफ द रेडियस। अब दूसरी में हमने ये एक्सटेंशन उसने बता दी हमें, ये कितनी है, ये 1 mm है। अब दूसरी एक्सटेंशन हमने निकालनी है कि वो कितनी आती है, तो देखें वो कितनी एक्सटेंशन निकलेगी, एफ ओवर ए। क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन अ वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ ट्वाइस द लेंथ, लेंथ कितनी है इसमें, ट्वाइस है, ठीक है जी, एंड हाफ द रेडियस, रेडियस कितना है, हाफ। बच्चे रेडियस हाफ पुट करें तो एरिया क्या हो जाता है, 4 times कम हो जाता है। कितने टाइम कम हो जाता है, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर, इसको मैं पुट करता हूँ आर बाई टू स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वेयर बाई 4। तो एरिया नया जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया ए बाई 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ फिर मैं क्या पुट करूँगा, ए बाई 4, वाई सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 8 एफ ओवर ए इंटू एल ओवर वाई। तो दूसरी एक्सटेंशन आप देखें तो क्या बन गई है, डेल्टा एल टू जो है वो 8 times ऑफ फर्स्ट एक्सटेंशन नहीं बन रही मेरे हिसाब से, तो देखें जवाब भी क्या है, 8 mm, क्योंकि एक्सटेंशन शुरू वाली कितनी थी,
ये आंसर आ गया आपका। ओके नेक्स्ट देखें जी आपके पास क्या है जी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू वन फेस ऑफ अ रेक्टेंगल बॉडी कीपिंग द अदर फेसेस फिक्स्ड द स्ट्रेस इज कॉल्ड। देखें जी एक रेक्टेंगल बॉडी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जी। लेट्स सपोज ये मैं ऐसे करते हैं हम इसको कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर बॉडी है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉडी है। इसके इस फेस पे टेंजेंशियली ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, बाकी फेसेस क्या हैं फिक्स हैं वो नहीं हिल रहे, तो ऑब्वियसली ये फेस क्या करेगा, ये फेस यहाँ से थोड़ा स्लाइटली क्या करेगा ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा, तो हम कहेंगे इसने स्लाइटली यहाँ से क्या शो किया है डिस्प्लेसमेंट शो किया, यानी ऐसे था ये फेस तो क्या हो गया थोड़ा टिल्ट कर गया, तो कौन सी चेंज ये प्रोड्यूस होगी, ये आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस आएगी ना इसमें, तो शेयरिंग स्ट्रेस आएगी क्योंकि इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी बुक में वो क्यूब के साथ फार्मूला बना हुआ है बिफोर डिस्कसिंग द यंग्स मॉडल्स, वहाँ पे ये साइड बना हुआ, और इसमें ये एंगल आप लेते हो जिसको आप क्या कहते हो गैमा कहते हो, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल्स टू गैमा के कैलकुलेट करते हो विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा, जो कि आपकी शेयर स्ट्रेस होती है, ठीक है स्ट्रेन होती है, तो इसमें जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है वो शेयरिंग स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन आएगी वो कौन सी होगी शेयर स्ट्रेन होगी। ओके चलें जी नेक्स्ट देखें। इफ द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ देन द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, भाई चेंज इन लेंथ हमारे पास जो है बच्चों यंग मॉडुलस का फार्मूला है जी क्या एफ ओवर ए इंटू एल ओवर डेल्टा एल, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो वाई किसके इक्वल रह जाएगा एफ ओवर ए के इक्वल विच इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो देखें जनाब स्ट्रेस जवाब आ गया। ओके नेक्स्ट देखें। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट डायामीटर इन द रेशियो ऑफ 1:2 आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स व्हेन स्ट्रेच विल बी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये होती है। ठीक है अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस की बात करें तो ये होती है जी एफ ओवर ए इंटू डेल्टा एल ओवर एल, क्या चीज़ चेंज की है उसने, सेम है सब कुछ सिवाय किसके डायामीटर्स ऑफ वायर के, वायर के डायामीटर्स की रेशियो डिफरेंट है। बच्चे यहाँ से अगर हम यू की बात करते हैं तो आप देखें ये बेसिकली एरिया इसमें डायामीटर आ रहा है डी स्क्वेयर आएगा बिकॉज एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वेयर बाई टू ये होता है, तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ से कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस हिसाब से निकलेगी वो 1/d² के इनवर्स आएगी। ठीक है अगर ऐसा है तो फिर देखें u1/u2 किसके इक्वल आएगी d2² / d1² तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या कैलकुलेट करनी है स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स बी इन द रेशो पोटेंशियल एनर्जीज की रेशो निकालनी, तो देखें डायामीटर की रेशो का स्क्वायर लेके उसे क्या कर दें इनवर्स कर दें, इनका स्क्वायर लेके इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/1 नहीं आ जाएगा 4:1, तो देखें जवाब क्या आ गया 40। ठीक है तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो हमारी एनर्जी है वो डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्स है, एरिया के क्या आएगी इनवर्स आएगी, और रेडियस की अगर बात करेंगे तो उसके भी क्या आएगी इनवर्स आएगी स्क्वायर के। ठीक है जी बच्चों तो नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है, अ लोड ऑफ 1 kN एक्ट्स ऑन अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.8 cm² एंड लेंथ 10 cm, द स्ट्रेस डेवलप इन द बार इज, अच्छा पर mm में निकालनी है बच्चे ये देख लें ज़रा, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह निकालना है, स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ ओवर ए, तो भाई एफ ओवर ए के अकॉर्डिंग एफ कितनी आई 10^3 N आ गई और ए कितना आ गया 0.8 आ गया इंटू 10^2 कितना हो गया जी -4 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर था मीटर स्क्वायर बना लिया, इसे सॉल्व करें तो 1/0.8 × 10^7 इसको सॉल्व करें तो ये 10 आ गया 1 point कितना बच गया इसमें से 2 बचा तो ये 2 आ गया फिर 4 बचा तो 5 आ गया 10^2 कितना आ गया जी 7 आ गया, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बट वी हैव टू फाइंड पर mm स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर की जगह मिलीमीटर स्क्वायर पुट कर दें, तो देखें जी मिलीमीटर स्क्वायर पुट करें तो क्या आएगा
न्यूटन वैसे का वैसा ही, उसकी जगह 10^6 नहीं आ जाएगा mm स्क्वायर? भाई 1 मीटर में कितने 10^3 मिलीमीटर होते हैं ना, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो इतना बन जाएगा। इसको सॉल्व करें ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1.25 × 10^ ये नहीं आ जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 12.5 नहीं आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर पर mm स्क्वायर। तो जवाब देखें कौन सा निकला है हमारे पास बच्चों, हमारे पास इसके अकॉर्डिंग अल्फा जवाब निकलता है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट देखते हैं। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बार ऑफ लेंथ एल एरिया ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ड्यू टू अ टेंसाइल लोड पी इज गिवन बाय, इंक्रीज इन लेंथ निकालना है तो देखें डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ ओवर ए इंटू एल ओवर डेल्टा एल है, सॉरी डेल्टा एल नहीं वाई है। तो चलें पुट करते हैं हम क्या क्या उसने दिया हुआ है, लोड कितना दिया है पी, तो फोर्स आ गया पी, एरिया कितना आ गया ए, और जो इनिशियल लेंथ है वो एल, और वाई कितना दिया हुआ है उसने जी ई, तो आंसर यही नहीं आ जाएगा पी एल ओवर ए ई, ये आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन लेंथ का पी एल ओवर ए ई आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, द स्टेटमेंट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दैट इज हुक्स लॉ इज होल्ड गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाएगा। देखें ये हमारे पास ग्राफ होता है, ये हुक्स लॉ है, यहाँ ये आपकी सिग्मा पी होती है, ये सिग्मा ई होती है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी होती है, तो हुक्स लॉ यहाँ तक वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, द लिमिट बियॉन्ड विच द मटीरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिकली इज नोन एज, इलास्टिक लिमिट के बाद वो इलास्टिकली बिहेव नहीं करता, इस लिमिट के बाद देखें तो वो इलास्टिकली बिहेव, यहाँ सिग्मा ई के बाद उसमें परमानेंट चेंज आती है ना, सिग्मा ई के बाद, सिग्मा ई के बाद, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप, स्ट्रेस इधर है स्ट्रेन इधर है, इसकी स्लोप किसके इक्वल आएगी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस आ गया आपके पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें आप, अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ओरिजिनल लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू अ लोड एल ए, सेकेंड वायर इज अ सेम मटीरियल विद एन एरिया 2a लेंथ 2l सब्जेक्टेड टू सेम लोड इफ एक्सटेंशन फर्स्ट वायर इज x एंड सेकेंड वायर इज y, फाइंड द रेशियो ऑफ x y। देखें पहली की x है तो उसको हम लिख लेते हैं f ओवर a इंटू l ओवर y, यंग मॉडल्स दे दिया उसने, ठीक है, हमने अपनी तरफ से क्योंकि सेम मटीरियल है तो y जो है वो किसके इक्वल है जी, क्या क्या चेंजेस आई हैं सेकेंड वायर में, सेकेंड वायर सेम मटीरियल विद एन एरिया, एरिया 2a हो गया, फोर्स आई थिंक सेम रही है, तो ये 2a कर दिया, लेंथ क्या हो गई है 2l, 2l कर दिया, यंग मॉडुलस वही रहा उसका, ये इससे कैंसिल हो गया तो y भी वही नहीं आ गई, देखें x के इक्वल नहीं आ गई, सो रेशियो ऑफ x ओवर y किसके इक्वल आ जाएगी, 1/1 नहीं आ जाएगी, तो देखें जवाब क्या आता है 40 जवाब, ओके। नेक्स्ट देखें जी, इफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ मटीरियल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 and 60 विद x एक्सिस देन द रेशियो ऑफ देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी, भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y1 ओवर y2 अगर बात करें तो ये किसके इक्वल आएगा, टेन 30° ओवर टेन 60, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो होते हैं ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, ये जो एंगल बनता है थीटा, इसकी टेन ले लें तो बटे वो क्या होता है स्लोप होती है, और स्लोप किसके इक्वल आती है, वो यंग मॉडुलस के इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पे उन एंगल्स की रेशियो निकाल ली। अब देखें इसकी रेशियो क्या आएगी, साइन 30 ओवर कॉस 30, और नीचे साइन 60 ओवर कॉस 60। अब इसे देखें साइन 30 जो हमारे पास निकलेगा वो कितना आंसर आएगा, साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3/2 लिख देंगे क्योंकि वो नीचे डिवाइड हो रहा था। अब डिवीजन में साइन 60 कितना होता है, ये होता है √3/2, और कॉस 60 1/2 होता है, तो इसको क्या लिख देते हैं 2/1 क्योंकि वो नीचे आ रहा है उसके, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आया 1/√3 डिवाइड बाय √3, वो डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1/√3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू 1:3, ठीक है, तो देखें जनाब 1:3 आंसर है आपका, ओके हो गया। नेक्स्ट देखें जी,